व्हाट्सअप गाइस, मीमापुर चैनल पे नई वीडियो आई है, वाह बेटे मौज कर दी, समझ गए, मीम्स की हमेशा मीम्स की वीडियोस होती है उनके चैनल पे, मौज ही रहती है हमेशा, मौज रहती है, एक से बढ़कर एक कलाकार देखने मिलते, काफी दिन हो गए दिमाग का 100% इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं मिले, तो आज मिलने वाला है। नहीं नहीं हिचकी आ रही, अब इससे पहले तने भाई की वीडियो देखी थी, बहुत हंसी आई थी उसके अंदर, तब से हंसी जा रहा है तो उस वजह से हिचकी आ रही है। तो भाई चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो कर दे लाइक, और फेवरेट मीम कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं रोज मीम्स की एक वीडियो आए तो मीम्स ओपी मीम्स डेली लिखना ना भूलें। 1 2 3 गो। आला ये वीडियो सर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, सिद्धि फेफड़ा को तो एटीट्यूड बॉय पर लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। आला चलो स्टार्ट करते हैं। देवी तुम्हें तो पता है ना, जब हम दोनों एक रूम में होते हैं तो गर्मी कितनी बढ़ जाती है, समझ रहे हो? और अगर पंखा सही हो गया, इसमें हमारा ही तो फायदा है। बात तो सही है। बात तो सही है। लेकिन हमारे पास एसी था तो बेबी, इतनी भी गर्मी नहीं करते तुम। ये पकड़ के ये कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं, इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टी सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद चल रहा है, से पीछे जाके बात करता हूँ। जरा तो गेम बजाने पड़े। पाजी बच्चों का सवाल था, वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। ए बाप बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है ऐसे क्यों बोलता है, बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं, आप भी बोलते हो ये सब? हमारे घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो। हमसे भी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुम्हारा पीछा कर रहे थे और कुछ करने को था ही नहीं तो पीछे पीछा ही कर लिया। ये भी ठीक है, और कुछ करने को नहीं था पीछा। कौन सी क्लास में हूँ? 9th, हम 10th। तो तू बेटा छोटे हो, फासले और औकात दोनों में रहो, समझे? शाबाश बेटा, शाबाश। Hey, I come, look at this. फोटो के लिए पोज बनाया डॉगी ने, डॉगी ने पोज बनाया एकदम से। खड़ा उसको उसको छोड़ के डॉगी की फोटो चाहिए। ओ भाई साहब, ये बताइए वर्किंग वुमन पसंद है या फिर हाउस वाइफ? साथ में जॉब किया जाएगा, साथ में घर पे रह जाएगा। अच्छा, यानी कि आपको जॉब वाली लड़की? हाँ हाँ, अच्छा समझ गया समझ गया। आप बताइए आपको कैसी चाहिए? आप जैसी? ए रहा नहीं जाता। मेरे जैसी? हाँ, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ क्यों? ऐसे जब मैं काम करूंगा ही तो उसको क्या जरूरत है काम करने का। बात तो सही है। अभी तो आप बोले मेरे जैसी, तो हम तो जॉब करते हैं ना, तो आप तो शादी के बाद नहीं करिएगा ना? हेलो। हाँ जी। सॉरी, कल ना पार्किंग में मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग गया था, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपसे लगा था? नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, मेरी गाड़ी से लग गया था, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। So sorry. कुछ नहीं बोलेगा, लड़की से लगा है ना। No problem at all. तू तो राम निकला है, देव मूर्ति अभी ये बोलेगा है ना। बात करो, तुम ही डर रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे। ये मेरे हस्बैंड से लग गई थी। मेरे से लग गया था भाई साहब, ये वाइफ है, मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी आपसे कहने की ना। तूने मारा? हाँ जी, मेरे से लग गया था यार। एक बार शिल्पा, वैसे राज ने क्या मतलब सीटी बजाई थी, पंख फैलाए थे, देखा है, देखे क्या किया था जो आपने शादी के लिए? हाँ, के पैसे फैलाए। पैसों के अलावा बाहें भी फैलाई उन्होंने। बाहों में पैसे थे? अच्छा। पापा जी, आपके पास तो पैसे भी नहीं थे। हाँ। तो सुनीता कैसे पट गई? क्योंकि सुनीता के पास पैसे थे। Take my dick and my pants.
This is what girls want. We want you to text back. Make it rough. But don't do it too fast. Okay. Tell your friends about me. Not just about my body. Take me on a good date. I will probably be late. You better not make me wait. Early to call me babe. Girls are simple. मुझे ये पता है ये जो गले में पहनी हुई है ये क्या है मतलब कौन सा स्टाइल है ये अपना स्टाइल ये भी ठीक है हम अपना कौन सा स्टाइल है वही तो पूछ रही नहीं मतलब जरूरी है पहनने यार अभी आपका देखो ये कौन सा स्टाइल है नहीं, मैं कपड़े पहने ना आपने भी पहने मैंने भी पहने ये ऊपर एक्स्ट्रा स्टाइल की बात हो रही है तो आपने एक्स्ट्रा मेकअप क्यों लगाया लव मैरिज में कौन सा एज बेस्ट है 20 प्लस और अरेंज मैरिज 25 प्लस क्यों लवर्स उम्र क्या मतलब कि 20 के बाद शादी हो ही जाती है और जहाँ तक लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात है तो हर लड़का चाहता है कि मेरी शादी लव मैरिज हो ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन कोई मिलती नहीं है उसे कोई भाव देती नहीं है लास्ट में अरेंज मैरिज करता है और उसे बोलना पड़ता है नहीं मुझे तो अरेंज मैरिज नहीं करना था तो मिली नहीं तुम्हें दुख और लड़की भी मिलने का वो होता है ना अब जैसे आजकल जो है कि लड़के में चाहिए स्लिम ट्रिम अब मेरे जैसा ऐसा लेकर चाहिए तो लव मैरिज कहाँ से होगा इम्पॉसिबल है इसीलिए तो इतना भड़ास निकालो नहीं हुई है ना अभी तक भाई को 21 तोपों की सलाम क्या बात कोई मरीज है जो डॉक्टर शाहरुख खान से अपना इलाज कराना चाहता हो कोई एक जी या प्लीज हाय कपिल सर शाहरुख खान सर एंड सुदीप जी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहा हूं शाहरुख सर व्हेनेवर आई वॉच योर मूवीज मेरे दिल में कुछ कुछ होता है हां तो ये तुम्हारा समस्या है हमारे भी पूर्वज जो थे शाही हकीम थे मतलब न्यूजीलैंड वालों का हम इलाज बड़े अच्छे तरीके से करते हैं अच्छा यू नो वी हैव स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन या वी हैव इंग्लिश स्पीकिंग इंजेक्शन व्हाटएवर यू शुड यूज इट ऑन योरसेल्फ व्हाट यू शुड यूज इट ऑन योरसेल्फ यूज इट ऑन योरसेल्फ ये रोज कर रहे कपिल भाई को कपिल भाई खेल रहे थे जब बेइज्जती अरे भैया मजेदार वीडियो थी कलाकार देखने को हमेशा मिलते हैं यार और 100% नहीं मिला आज वो नहीं था इस बार भाई यार भाई ये बात पहुंचाई जाए मेरे ऊपर भाई तक कि 100% दिमाग का इस्तेमाल करने वाले इंसानों को प्रकट तो मस लगा कि फिर तुम क्यों एक्स्ट्रा मेकअप लगाए हो वो कह रहे हैं कि ये कौन सा फैशन है पहले तो भाई ने सही कहा ये अपना स्टाइल है अपना स्टाइल है स्टाइल है कौन सा स्टाइल एक वो भी अच्छा था ना कि हाउसवाइफ तुम्हारे नहीं तुमसे करेंगे हाउसवाइफ जो कहा सबके सामने माइक पे कि अब मेरे जैसा आदमी जाएगा पेट वेट लेके तो लव मैरिज होगी क्या मारे भाई लेकिन वो ये देखो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो आदमी का ये होना चाहिए शादी हो जाए इंसान की जिंदगी सफल हो जाए ये चीज और आज का आदमी कहता भैया लव मैरिज कुछ भी हो जाए और मीम्स की दुनिया में ना यही चीज है कपिल का रिप्लाई है तभी तो तुम्हारे घर में शो नहीं आता किसी का कपिल तो भाई सेवेज रहता है हमेशा वो हो गया और कपिल शर्मा शो तो है ही वैसे खतरनाक अरे मजा आता है हमेशा देखने में एंड वो डॉग वाले बढ़िया था वो फोटो लाइट वाइट लगा के लड़की के ऊपर फोकस कर भी दे रहा है ऐसे और फिर बैठ के आराम से ले अब आराम से लड़की भी कह रही है तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा तो रुक तू अभी फोटो खिंचवा लू चाहे 2 घंटे बाद खींच लियो तो उसके बाद कलाकार एक से बढ़कर देखने मिले यार फेवरेट मीम अपना कमेंट कर देना आज मेरा तो फेवरेट वही है भाई भाई ने कह देना हां मेरा भी जो लास्ट वाला था जिसने बड़ास निकाली भाई तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ टिल देन बाय हैव अ गुड डे टेक केयर